आने वाला समय सोलर ऊर्जा का ही रहेगा। अब विद्युत वितरण कंपनी द्वारा घरेलू कनेक्शनों पर सोलर रूफटॉप लगाने की दी जा रही है सलाह है। इसके लिए एजेंसी को किया गया अधिकृत, मिलेगी सब्सिडी। प्रदेश में मिलावटखोरी के विरुद्ध सघन अभियान चलाया जाएगा। नकली व मिलावटी सामग्री बनाने व विक्रय करने वालों की जड़ों पर होगा प्रहार, कहा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने। नोटबंदी के बाद कारपोरेट टैक्स पेयर रिटर्न्स में 35% की ऐतिहासिक वृद्धि देखी गई। नकली नोट बनाने वालों को भी विमुक्तिकरण से गहरी चोट पहुंची है। प्रधानमंत्री की दूरदृष्टि की सराहना करते हुए मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा, अवैध रूप से बिना लाइसेंस के दिए गए कर्ज वसूले नहीं जा सकेंगे। जहां भी यह प्रयास होगा उस पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। बमोरी में एक गरीब की मृत्यु पर प्रतिक्रिया देते हुए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा, 4 वर्ष पूर्व की गई नोटबंदी को अर्थव्यवस्था नष्ट करने वाला बताया कांग्रेस ने। भाजपा सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि बीजेपी सरकार के फैसलों ने देश की जनता पर हर बार प्रहार किया है। नल जल योजना का विस्तार कर प्रत्येक बसाहट तक और हर घर तक पेयजल की उपलब्धता सुनिश्चित की जाए, कहा केंद्रीय इस्पात राज्य मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते ने। सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं की सफलता के लिए अधिकारियों और जन प्रतिनिधियों के बीच समन्वय आवश्यक है, जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति की बैठक में कहा केंद्रीय मंत्री श्री कुलस्ते ने। जिला प्रशासन के निर्देश पर पूरे जिले में राजस्व शिविरों का आयोजन किया जा रहा है। इसी कड़ी में भावल एवं नारायणगंज में राजस्व शिविर हुआ आयोजित। नगर के बिंझिया तिराहे में स्थापित की गई सरदार पटेल की प्रतिमा का हुआ अनावरण। इस अवसर पर प्रदेश के मंत्री राम खिलावन पटेल और स्थानीय सांसद गण मौजूद रहे। नैनपुर के वार्ड नंबर 10 निवासी बजारी नंदक घर में लगी आग। दमकल की गाड़ियों ने मौके पर पहुंचकर बुझाई आग। घर की छत पर रखा था पैरा जिसमें लगी थी आग।